फूल साहब तोड़ना बहुत सौखा होंगे, जोड़ना काफ़ी ज़्यादा औखा होंगे। माझी साहब ने कोशिश करी है, तुम इन्हों के आए हो, नौजवानों का जो उत्साह है वो वक्रा ही है, जोड़ा उन्होंने दिल से अज उन्होंने चंगा लगे वो जानते हैं। असी तो एक जि जदों के असी इस मुहिम के असी भी विचर रहे हैं, साडा एक सुझाव देना चाहते हैं असी कि जिस तरह ट्रैक्टरों को लैके रोस मार्च किया जाता है दिल्ली के सड़कों के उपर, उस दे नाल चाहे कोई गरीब परिवार का किसान है चाहे वह अमीर है, खर्चा बहुत आता नाल प्रदूषण होता है कि असी इदा नहीं कर सकते। एक चिन्ह वजो असी एक गड्डी दे विच एक बल्द नूं बिठा खड़ा करके पिछे सारे किसान उहदे विच चाहे दिल्ली दीआं सड़कां ते असी आराम नाल तुर सकते हैं, चाहे हाथ से चिन्ह वजो कोई टली फड़ी होवे किसी ने रंबा फड़िया होवे, कि असी इदा नहीं कर सकते कि वार वार इदा ही बस करवाउणी अपने नौजवानों की कि जदों जी करे आपां ट्रैक्टरां वास्ते कह दित्ता। वेखो जी असी तां जिहड़ा हुण 1 फरवरी दा उदों 26 जनवरी तों पहलां सद्दा दित्ता सी उह पैदल मार्च दे सीगा भी जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो भी वह खर्च भी ना हो प्रदूषण भी ना फैले, ये ठीक है थोड़ा सुझाव है इनू असं जरूर ये गौर करांगे विचारांगे मीटिंग दे विच। माझी साहब अज्ज के प्रोग्राम बारे की कहना चाहोगे? सद्दा यह कि एक कन्वेंशन की जा रही है पर एक बड़ी वड्डी रैली का रूप ले। देखो जी तो गुरु की बख्शिश है, असी तो कन्वेंशन सोचा सी सारे धर्मां दे बंदे इत्थे आए ने, हिंदू भी आए ने मुसलमान भी आए ने विद्वान बोले भी ने तो स्टेज तो, ते दूजी गल ये है भी साडा जिहड़ा मकसद सीगा दो ताकतां मैं बार बार कहना कि 1734 दे विच नवाब कपूर सिंह ने बुढ़ा दल ते तरना दल बनाया, उत्थों सानू प्रेरणा लैण दी लोड़ है, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, वह साडा जथेबंधक ढांचा इन्ना मजबूत सी, उन्होंने वक्रे वक्रे कार्ज मिस दिते सी, उसे ढांचे की बदौलत 1739 दे विच नादर शाह ने जिन्हें हिंदुस्तान लुट लिया सीगा उस नादर शाह के खिलाफ ना कोई मरहट्टा खड़िया ना कोई वो खिलाफ़ राजपूत लड़िया तो सिख लड़े क्योंकि साडा जथेबंधक ढांचा इन्ना मजबूत सी। अज इन्ना सोहना प्रोग्राम होया तो सुरजीत सिंह फूल जी जिन्हां नूं कल असीं हथ बन के बेनती की, इन्हां दा प्रोग्राम फरीदकोट सीगा पर ये कहिंदे भी जिवें मर्जी होवे मैं जरूर पहुँचागा, इन्हां ने पहुँच के साडे इह पूरे प्रोग्राम नूं होर 4 चैनल आए ने, ते जिहड़ा साडा मकसद सी कि नौजवानां ते बजुर्ग अगों दीआं गलवकड़ियां पै जाण ते असीं मोदी क्या नूं टारगेट करिए, मैनूं लगदा उहदे विच असीं काफ़ी हद तक साहब रैली जिथे मुख्य तौर पर भूमिका निभाने वाले बाबा बख्शी सिंह साढ़े नाल ने इन्हां नाल गलबात करांगे। बाबा जी अज की जिहड़ी रैली है एक कन्वेंशन कहा जा रहा है, एक बड़े वड्डे रैली का रूप लै गई है, की लैना चाहिए? ये वेखो साढ़े नौजवानों की उस केसरी निशान की जिहदा बहुत वड्डा लोगों ने विरोध भी किया, एक जित बहुत वड्डी कि असी कन्वेंशन रखी सी तो रैली का रूप धार गई, असी प्रबंध भी कन्वेंशन का ही किया पर संगत ने साड़ी झोली दे विच इन्ना कुछ पाया है तो असी भी संगत जिहड़ियां नूं निराश नहीं करांगे संघर्ष नूं जित्तण लई एंड तक जिहड़ी हर एक चीज़ जिहड़ी साडे कोल हैगी है जिहड़ी मेरे कोल तो मेरी जिंदगी हुई आ मेरे कोल होर कुछ नहीं वह भी आपां दाव ते ला देंगे, लोड़ पई तो आपां मरन तक भी जावांगे इस संघर्ष में जितने लिए हर हीला वरतेंगे जी। इस रैली का मुख्य एजेंडा की किसान अंदोलन के नाल नाल की जिहड़े परचे दर्ज होए ने वह भी रद्द करवाउणे? बिल्कुल बिल्कुल 100% जी, जिहड़े झूठे परचे होए ने उन्हां नूं रद्द करवाउणा, दीप सिद्धू जिहड़ा आ उन्हूं रिहा करवाउणा ते होर साथी जिहड़े किसान ने उन्हां नूं रिहा करवाउणा ते जिहड़े भी परचे चाहे वह किसान आगूआं ते होए ने लखा सिधाणा वीर ते होया तो उन्हां सारे परचियां नूं मुकम्मल रद्द करवाउणा, तो कानून वाली जी गल आ संघर्ष चल ही रहा उस चलते संघर्ष ही सानू उन्होंने टारगेट किया साढ़े नौजवानों के बच्चों के बीबिया के धियां के भी केस पाते उन्होंने सारियां रद्द कराने ही उपराले ने। कुछ राजसी लोगों द्वारा कहा जा रहा कि दीप सिद्धू होवे चाहे लखा सिधाणा परचियां का रौला ज़्यादा पाया जा रहा जदों के साढ़े उपर टाडा ज होर वख वख तरह के पता नहीं किन्ने केस दर्ज ने। बिल्कुल जी हर संघर्ष की अपनी एक खूबसूरती है तो जदों जिहड़ा संघर्ष चलता होए जिहड़ियां घटनावां वापरदियां ने उन्हां घटनावां नूं मुख रखिया जांदा हुंदा हुण जद अज असी सब तो वध जिहड़ी टाडा आ जां डिस्टर्बड एक्ट जिहड़े पंजाब दे विच लगे ने उहदे पीड़त असी हाँ तो जब असी नहीं गल करदे तो इहदा कोई मतलब आ क्योंकि साडा जिहड़ा संघर्ष आ उह किसे इक धिर लई नहीं हैगा, जिहड़ा साडा संघर्ष सीगा उह सरबत दे भले लई ते पूरी मनुखता लई सी। एक जिहड़ा हैगा आ तीन कानूनां दी गल ते जिहड़ी किसानां दी आर्थिकता दी गल उहदे नाल जुड़िया होया बड़ियां साडियां जमीनां ने साडा सभ्याचार उहदे नाल जुड़िया होया पर जिहड़ा साडा दूजा जिहदे संघर्ष दी तुसीं टाडा दी गल करदे हो उस संघर्ष दा ते संघर्ष दा बहुत फर्क है जी, उस संघर्ष जिहड़ा आ उह प्योर एक जिहड़ा खुसिया होया खालसा राज आ उस राज दी प्राप्ति लई उह वड्डियां शहादतां होईयां ने। इस संघर्ष ते उस संघर्ष नूं इह जरूर है भी सारे संघर्ष एक दूजे दे पूरक हुंदे ने
उन्होंने मतलब ये नहीं कि आप वक् करके वेख लीए पर फिर भी इस तेदा बहुत फर्क होंगे जोड़ा एक आर्म स्ट्रगल आदाते एक शांतमई किसी एक मुद्दे को लैके साडा तो मुकम्मल है ना पंजाब का जो मुकम्मल खुसया हुआ राज असी वड्डी जंग लड़ी आ एक एक इस स्टेट के थले रह के कानून जोड़े ने प्राप्त करने की गल है ये फर्क है जी बहुत वार बार जो जथेबंद द्वारा ने एक सवाल यही उठाया जाता है कि यह जो अंदोलन है किसान अंदोलन शुरू होया होंद की लड़ाई विचों कितों आन वड़िया। अच्छा मैं वेखो पहली गल तो यह है भी मैं किसान कंट्रोवर्सी वाली गल असी मूलों ही रद्द की कि नहीं करनी हैगी पर फिर भी जे ये मतलब कि गल हैगी भी होंद की गल तुसी मैनू ये दसो भी जिहड़ी पंजाब की धरती आ उहदे उत्ते 99.9 जिहड़े सिख जिहड़े जमीना के मालिक ने ते जदों तुहाडियां जमीना दे नाल आर्थिकता नाल बहुत कुछ जुड़िया होया तुहाडे सभ्याचार तुहाडियां जायदादां दे नाल तुहाडी जिंदगी जुड़ी हुई है ते जो तुहाडियां जमीना ना रहियां तुसीं सड़कां ते आ जाओगे ते इन्हां लोकां दे गुलाम हो जाओगे ते होर किहनूं होण दी लड़ाई कहिंदे ने जी। जदों साडियां जमीना खोह के सानूं घसियारे बनाता साडे गल च उहनां पटा पाता सानू नौकर बना के साडे तों कम्म लैणगे ते होर होण दी लड़ाई की होंदी है जी होंदी होई आ साडी होंद नूं खतरा है जी। एक जदों भी किसान अंदोलन दे विच वड्डे वड्डे बुलारे भी बोलते हैं वो ज़्यादातर फोकस उहनां दा अंबानी अडानिया दे उपर रहिंदा है कुछ धनाडां दे उपर रहिंदा है जेकर गल की जाए नस्लों की जां अपनियां फसलों की तो सब तो मुख अंग होंगे इन्हों का बीज वो चाहे इंसान का चाहे वह फसलों का इन दोनों चीज़ों का पेटेंट कंट्रोल जोड़ा दुनिया के जोड़े सब तो पहले दो अमीर आदमी ने दुनिया के उन्होंने को नहीं ये गल बिल्कुल ठीक आ। मैं तुहानू फिर उ आ जाना कि जिहड़ी साडी जंग सीगी उहदे विच मुकम्मल आजादी की गल पूर्ण आजादी की जदों पूर्ण आजाद होवोंगे फिर किसी की दखलअंदाजी नहीं रहूगी जिहड़े लोग मारू गल्लां ने जां लोकां दे हक की गल जिहड़ा गुरु नानक साहब का सिद्धांत आ सरबत दे भले वाली गल असी उहनू लैके चले आ तां ही असी इस संघर्ष दे जिहड़े सिख संघर्ष वाले लोग ने जिहड़े जिन्हां नूं इक वक्खरा राज की डिमांड करते हैं जिहड़े खालिस्तानी धिरां ने साडी सपोर्ट आ इस संघर्ष नूं असी इस संघर्ष की अगवाई नहीं कर रहे सो साडी सपोर्ट आ उहनां नूं जिहड़ियां उहनां दी डिमांड आ वह उस सेंटर गौरमेंट के खिलाफ आते लोगों के हकों लिए चाहे वह दो डिमांड ने चाहे तीन ने इस करके जो संघर्ष है साड़ी सपोर्ट है जी चालीस साल हो गए नौजवान लाशा ढो।